हमने इस लेक्चर में आज हम करेंगे पाठ 9 कदम का पेड़ के प्रश्नोत्तर। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा कि इस कविता में बच्चा क्या कल्पना करता है और अपनी माँ से क्या क्या करता है और अपनी माँ के साथ किस प्रकार शरारतें करता है। कभी क्या करता है, वो पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर चढ़कर फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और पत्तों में छिप जाता है और उसकी माँ उसको ढूंढती है। और उसके बाद वो क्या करता है, जब उसकी माँ परेशान होकर पेड़ के नीचे अपना आंचल फैलाकर बैठ जाती है तो वो चुपचाप पेड़ से उतरकर अपनी माँ की गोद में आ जाता है। तो आपने ये सब कविता के माध्यम से जाना। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। जैसा बच्चे आपने कविता में पढ़ा था कि बच्चा क्या कल्पना करता है, पहले तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो और पेंसिल उठा लो। आपको क्वेश्चन के आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसको इससे लिखिए। मैं इसके पास आप इसके बाद आपको के पास पीडीएफ फाइल भी भेजूंगी, जिसका जो क्वेश्चन रह जाता है आप उसमें से उसको लिख सकते हैं। आपने अपनी नोटबुक में लिखना है बेटा, और जब आप इसको लिखेंगे तो वन लाइन गैप देकर लिखना, क्योंकि जब आप वन लाइन गैप देकर लिखते हैं तो आपकी राइटिंग सुंदर आती है और आपको लर्निंग करते समय दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली उसको लर्न कर सकोगे। तो अब फर्स्ट प्रश्न है, बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। तो उत्तर है, बच्चा यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। बच्चों, हमने कविता में पढ़ा था कि बच्चा जो क्या कल्पना करता है कि मैं कदम के पेड़ पर बैठूं, और कदम का पेड़ कहाँ हो, यमुना नदी के तट पर, तीरे, तीरे होता है तट, किनारा। तो बच्चा कहाँ बैठना चाहता है, पहला तो प्रश्न ये है, बच्चा कहाँ, कहाँ मतलब किस जगह। तो बच्चा यमुना के तट पर और किस पर बैठकर, किस पर बैठना चाहता था बच्चों, वो कदम के पेड़ पर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। वो कहता है किस पेड़ पर बैठकर, यानी कि कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बच्चा यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। तो अब आपको फर्स्ट जो प्रश्न क्वेश्चन है वो आपको उसका उत्तर समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या है। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ, बच्चा यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है। आपको दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि कविता में मैम ने पढ़ाया था कि बच्चा जब बांसुरी बजाता है तो वो किसे बुलाता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी अम्मा को बुलाता है। अम्मा बोलते हैं माँ को, है ना बेटा। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है। तो इसका जब इसको आवाज़ आप एक लाइन का गैप देंगे, मतलब एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या है, बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी अम्मा को बुलाता है, यानी कि अपनी माँ को बुलाता है। अब है प्रश्न नंबर 3, कविता में क्या बच्चा क्या क्या कल्पना करता है। बच्चों, आपको ये जो प्रश्न है, जो पंक्ति आपको सामने दी गई हैं, इसको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा कि बच्चा जो है कविता में किस तरह की कल्पना करता है। तो बच्चों क्या क्या कल्पना करता है,
माँ के बाहर आने पर, देखो जैसे मैंने इसको ब्लैक से लिखकर ग्रीन कलर किया हुआ है, तो आप इसको पेंसिल से लिखेंगे और हल्का कोई भी कलर लेके हल्के रंग से इसको कलर करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, इसके बारे में हमें लिखना है कि माँ के बाहर आने पर, यानी कि जब उसकी माँ घर से बाहर आती है तो वह क्या कल्पना करता है, मतलब क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए, है ना। तो आपने क्या करना है बेटा, माँ के बाहर आने पर ये लिखकर इसको हल्के से कलर से आपने इसको कलर कर देना है। काम आपने सारा पेंसिल से ही करना है, लेकिन जब आप इसको माँ के बाहर आने पर लिखोगे तो आप इसको हल्के से कलर से, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन कलर करो, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है वो आप उसको मार्क कर सकते हो, लेकिन लाइट कलर, ज़्यादा डार्क करोगे तो आपसे पीछे अक्षर पड़े नहीं जाएंगे। माँ के बाहर आने पर अब हमने इसको बताना है कि कौन सी सिचुएशन थी। माँ के आने पर वह पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाने लगता। वो क्या करता, जब उसकी माँ बाहर आ जाती तो वह बच्चों क्या करता था, माँ के आने पर वह पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाने लगता, यानी कि जब उसकी माँ आती तो वो पत्तों में छिप जाता और बांसुरी बजाने लग जाता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि माँ के बाहर आने पर बच्चा क्या कल्पना करता है। ठीक है, अब करते हैं हम आगे। माँ के मनाने पर, माँ के मनाने पर बच्चा क्या करता है, माँ के मनाने पर जब उसको माँ मनाने आती है तब बच्चा क्या करता है, बच्चा कल्पना कर रहा है, वो कल्पना करता है कि वह सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर वहीं पत्तों में छिप जाता। तो बच्चों अब आप जान चुके होंगे कि माँ के मनाने पर, ये आपका सिचुएशन दी गई है कि जब आपको उसकी माँ उसको मनाने आती तो वो क्या करता, माँ के मनाने पर वो क्या करता, क्या सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, वह सोचता है कि वह सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर वहीं पत्तों में छिप जाता, यानी कि ये कल्पना कर रहा है कि जब माँ उसे मनाने आएगी तो वो ऐसा ही करेगा। नंबर तीन है, माँ के परेशान होने पर, माँ के परेशान होने पर, अब वह कल्पना करता है कि जब माँ परेशान होती तब वो क्या क्या करता। माँ के परेशान होने पर वह सोचता है कि जब माँ परेशान होगी तो वो कल्पना कर रहा है कि उसे क्या क्या करना है। वह धीरे धीरे नीचे उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाता। वो क्या करता, यानी कि जब उसकी माँ, आपने कविता में पढ़ा कि जब उसकी माँ परेशान हो जाती है तो वो क्या करती है बेटे, वो एक पेड़ के नीचे अपना आंचल फैलाकर बैठ जाती है। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठती है तो वो क्या करता है, धीरे से आकर उसके आंचल में छिप जाता है, उसकी गोद में बैठ जाता है। तो वही है, कहते हैं कि माँ के परेशान होने पर ये बच्चा कल्पना कर रहा है कि जब मेरी माँ परेशान होगी तब मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्या कहता है कि वह धीरे धीरे नीचे उतर कर माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाता, यानी कि वह धीरे धीरे कदम के पेड़ से नीचे उतरता और माँ जो उस पेड़ के नीचे अपना आंचल फैलाए बैठी थी उसकी आंचल के नीचे छिप जाता, यानी कि उसकी गोद में आकर बैठ जाता। नंबर चार, माँ के घबराकर आंखें खोलने, यानी कि क्या सोच रहा है कि जब माँ मुझे अपने गोद में पाती तो वो एकदम घबराकर क्या करती, आंखें खोल लेती। तो उस समय वो कल्पना करता है कि माँ कैसा करेगी। अब आप लोग भी घर में सोचते हैं कि आज मम्मी घर नहीं है तो मैं मम्मी के लिए एक अच्छे से नूडल्स या कुछ अच्छा सा कुछ काम करके रखती हूँ, या मम्मा का कुछ थोड़ा सा काम हेल्प कर देती हूँ जो मम्मा काम छोड़ के गई हैं। तो जब मम्मा आकर घर में आती हैं तो आप भी सोचते हैं कि आज मम्मा घर आएगी ना तो हमें, मेरी मम्मा बहुत खुश होगी मुझे देख कर कि मेरे बच्चों ने काम मेरे बिना कहे कर दिया, तो मम्मा के लिए सरप्राइज हो गया ना। तो ऐसे ही वो बच्चा भी कल्पना करता है कि अगर
माँ के घबराकर आंखें खोलने पर कहते हैं, अगर माँ घबराकर आंखें खोलेगी तो उस समय क्या होगा। वह क्या सोचते हैं कि वे अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में पाकर खुश हो जाती। मुन्ने राजा बच्चे ने अपने लिए बोला है कि जब माँ घबराकर आंखें खोलती तो वो क्या पाती, वे अपने मुन्ने राजा को यानी कि अपने बेटे को अपने गोद में पाकर खुश हो जाते कि उसका जो बेटा है वो उसके पास आ गया है। तो बच्चों अभी हमने मौखिक प्रश्न उत्तर किए, मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है? उत्तर है, बच्चा यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। अब आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दो, बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है? बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है? उत्तर है, बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी अम्मा को बुलाता है। अम्मा मतलब अपनी माँ को बुलाता है। प्रश्न तीन, कविता में बच्चा क्या क्या कल्पना करता है? माँ के बाहर आने पर ये सिचुएशन दी गई है कि अगर ऐसा हो, अगर माँ बाहर आती है तो उस समय बच्चा क्या करता है, क्या कल्पना कर रहा है कि मैं क्या करूँगा, क्या सोचता है वो। माँ के आने पर वह पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाने लगता। वो सोचता है कि जब माँ घर से बाहर आएगी तो वह पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाएगा। माँ के मनाने पर, दूसरा है, माँ के मनाने पर, यदि माँ को मनाने आते तब वह क्या करेगा, वह सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर वही पत्तों में छिप जाता। तो बच्चों आपने समझ गए होंगे कि माँ के मनाने पर वह क्या करता, सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर वही पत्तों में छिप जाता। नंबर तीन है, माँ के परेशान होने पर, माँ के परेशान होने पर बच्चा क्या करता, वह धीरे धीरे नीचे उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाता। वो क्या करता, माँ धीरे से कदम के पेड़ से नीचे उतरेगा और माँ के आंचल में छिप जाएगा यानी उनकी गोद में आकर बैठ जाए। नंबर चार, माँ के घबराकर आंखें खोलने पर, माँ जब घबराकर आंखें खोलती तब क्या होगा, वे अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में पाकर खुश हो जाते। यानी कि वे क्या कल्पना करता है कि माँ घबराकर जब आंखें खोलेगी तो वे अपने बेटे को अपनी गोदी में पाकर खुश हो जाते। तो बच्चों अब आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ बच्चों ने इनको लिख भी लिया होगा। जिन बच्चों ने इसको नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैं आपके पास इसकी PDF फाइल भेजूंगी, आप उसमें से ये काम कर लेना। अब हम आरंभ करते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न एक, बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों की है? बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही, यानी कि बच्चा ने कल्पना क्यों की है, क्यों बात की कि वो कदम के पेड़ पर बैठे। बच्चे ने कदम के पेड़ पर बैठने की बात इसलिए की है क्योंकि बच्चा यमुना तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना चाहता है। यानी कि वो कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना चाहता है, वह चाहता है कि वह कदम के पेड़ पर बैठे और बांसुरी बजाए। माँ का गुस्सा होना और डांटना। अब है कविता की उन पंक्तियों को बताइए जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार माँ, कविता की उन पंक्तियों को ढूंढ कर लिखो जिनमें नीचे दिया गया भाव आया है। कहते हैं कि माँ खुश, पहला प्रश्न है। दूसरा इसमें है माँ का गुस्सा होना और डांटना। तो माँ का गुस्सा होना और डांटना क्या है, गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहती नीचे आ जा। तो इसमें कौन सी पंक्ति आएगी, माँ
गुस्सा होना और डांटना। तो इसमें बच्चों गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, तो कविता की ये पंक्ति यहाँ पर उपयुक्त है। लेवांश सरोहा, ये अपनी ड्राइंग करनी बंद कर दो बेटा। लेवांश सरोहा, इसको क्लीन करो बेटा अपनी ड्राइंग को। तीसरा है ईश्वर से विनती करना। ईश्वर से विनती कब करती, कौन सी पंक्तियों में है? तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो जो ये सिचुएशन दी गई कि ईश्वर से विनती करना, ईश्वर से विनती कब करती हैं, कौन सी पंक्तियां यहाँ पर सुटेबल हैं, तो यहाँ पर आएगी तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो बच्चों अब फोर्थ नंबर पे आता है बेटे को गोद में पाकर खुश होना। यानी कि जब वो अपने बेटे को गोद में पाती तो खुश होती, तो कौन सी पंक्ति आएंगी? तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तो माँ कहती है, तो जब सिचुएशन कौन सी दी गई है कि जब बेटा जो है माँ की गोद में आकर बैठता और बेटे को गोद में पाकर जो थी माँ खुश हो जाती, तो उस समय क्या होता बेटे, उस पर कौन सी पंक्तियाँ लिखी जाएंगी? यहाँ पर पंक्तियाँ आएंगी कौन सी, तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ सुटेबल हैं। तो बच्चों मैं इस लिखित प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनो और समझो। फर्स्ट प्रश्न है, बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों कही है? क्योंकि बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात इसलिए कही है क्योंकि बच्चा यमुना के तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना चाहता है। क्या करना चाहता है वो? कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना चाहता है, वो भी चाहता है कि वह कदम के पेड़ पर बैठे और कृष्ण की तरह ही बांसुरी बजाए। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है ख, कविता की उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखो जिनमें नीचे दिया गया भाव आया हो। माँ का गुस्सा होना और डांटना, यहाँ पर कौन सी पंक्ति आएगी? आपकी कविता में लिखी हुई है गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, कौन सी पंक्ति आएगी? गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा। अगला है ईश्वर से विनती करना, यानी कि जब उसकी माँ ईश्वर से विनती करती है उस समय कविता की कौन सी पंक्ति आएंगी? तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करना बैठी आंखें नीचे। नेक्स्ट है डेजी, प्लीज रब द ड्राइंग। बेटे को गोदी में पाकर खुश होना, फोर्थ चार नंबर पे सिचुएशन दी है। वो क्या है कि जब बेटा उसकी गोद में आता है तो अपने गोद में माँ उसको पाकर खुश हो जाती है। तो यहाँ पर कविता की कौन सी पंक्ति आएंगी? तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाते। तो इस कविता में इन पंक्तियों में जो भाव आ रहे हैं वो यही हैं कि जब बेटा कदम के पेड़ से उतरकर अपनी माँ की गोद में आता तो उस समय वो आंखें खोलती और वो खुश हो जाती। तो उसके लिए पंक्तियां हैं तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को
गोदी में ही पाते। तो बच्चों, आज हमने कदम का पेड़ के प्रश्न उत्तर किए। आप इन